है दोस्तों, आज की वैकेंसी आई है BSF की तरफ से, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है यह कांस्टेबल थ्रेडमैन की वैकेंसी है। आप ये हमारे सामने देख पा रहे हो, ये ऑफिशियली PDF है। तो यह जो दोस्त वैकेंसी है यह कांस्टेबल थ्रेडमैन की वैकेंसी है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपको मिलने वाली है वो है 1763, यानी कि करीबन आपको 1800 पोस्ट मिलने वाला है। एक दो नहीं, पूरा आपको 1800 पोस्ट मिलने वाला है। पोस्ट नहीं, पूरा इसमें आपको 1800 पोस्ट मिलने वाला है। और ये जो पोस्ट है दोस्त, इसमें बात सिर्फ आप 10वीं पास होने से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। इसमें बात सिर्फ आप 10वीं पास होने से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या है इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है एज लिमिट, क्या है एडुकेशन क्वालिफिकेशन और कौन सा पोस्ट है, सब कुछ जानेंगे आगे हम इस वीडियो में। उसके पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि दोस्त, आपको क्या टाइम पर नोटिफिकेशन मिल रहा है? अगर टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए कहता हूँ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और साथ में जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस करो, तभी आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करें BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी है, और यह जो है कांस्टेबल थ्रेडमैन की वैकेंसी है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट आपको मिलने वाला है वो है 1763, यानी कि आपको करीबन 1800 पोस्ट आपको इसके लिए मिलने वाला है। और दोस्त, यह जो फॉर्म है, इस फॉर्म आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, इसके ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। और जो पोस्ट जो इसमें आपको मिलने वाली है वो है, जैसे कि समझ लो कुक बार, टेलर, कारपेंटर, कुक, वाशरमैन, बारबार, स्वीपर, वेटर, पेंटर, ड्राफ्टमैन, इसी कांस्टेबल थ्रेडमैन में आपको पोस्ट मिलेगी। क्योंकि मैं पूरा सब कुछ डिटेल्स अभी वैकेंसी के बारे में सब कुछ बातचीत करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो को कोई भी नहीं वॉच करेगा। अगर चाहते हो कि आप लोग मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँ BSF के लिए, तो आप लोग मेरे को इस वीडियो को लाइक करना और मेरे को वीडियो के नीचे यस यस लिख देना, तो मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। और ये जो पोस्ट है दोस्त, ये ऑफलाइन पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो है अप्लाई, अगर आप रूरल एरिया से है तो आपको 45 डेज आपको इसके लिए मिल जाएगी। अगर आप मतलब कि सिटीज में हो तो आपको 30 डेज आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाएगी। और ये जो पोस्ट है दोस्त, ऑफलाइन ही इसके आपके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम एज जो है आपको 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो आपको 23 साल होना चाहिए। एज पर रिलैक्सेशन आपको SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसके साथ में आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद भी रेगुलर ट्रेड जो है, कुछ कुछ ट्रेड जैसे कि टेलर, कारपेंटर, इसके लिए अगर आपके पास 1 ईयर मतलब कि 1 साल का ITI है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 2 ईयर के डिप्लोमा है ITI में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन की जो फॉर्म है, कंप्लीट डिटेल सब कुछ लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो ये रहा, कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आने पर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।